दोस्तों, आपने कई गुनाहों की कहानियाँ सुनी होंगी जिन्होंने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे, पर आज हम एक ऐसे आरोप की दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं जो ना ही कभी कोई सोच सकता है और ना ही उस पर कोई यकीन कर सकता है। बात है बिहार के समस्तीपुर की। तो हम आपको बता दें कि वहाँ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बेटी ने अपने पिता के अगेंस्ट रेप का मामला दर्ज कराया है और जस्टिस के लिए अपने साथ हुए उस दुष्कर्म का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक पिता ने अपनी बेटी का रेप किया, ये सुनकर ही बहुत ही गंदा और अजीब लगता है। पर अगर तभी आपको पता चले कि वो पिता कोई अनपढ़ गवार इंसान नहीं बल्कि एक टीचर था, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? वो तो गनीमत है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने थाने पहुंचकर अपने पिता के अगेंस्ट रेप का मामला दर्ज कराया। विक्टिम ने पुलिस को बताया कि वो मना करने के बाद भी पिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वो इस बात से काफ़ी परेशान थी, इसीलिए उसने चुपके से ये वीडियो बनाया था। इसके बाद परिवार के लोग उस पर चुप रहने का दबाव भी बना रहे थे। अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर तो शायद ही आपको यकीन होगा, और वो बात ये है कि लड़की ने आरोप लगाया है कि उसकी माँ वो भी पिता का साथ दे रही थी और वो भी टीचर ही थी। तो आप एक बार सोचिए, एक पढ़े लिखे टीचर माँ बाप, टीचर को तो हम अपना गुरु मानते हैं, भगवान से भी ऊपर रखा जाता है उन्हें, तो वो लोगों के साथ नहीं, लोगों के बच्चों के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चे के साथ ऐसा करें, ऐसा सोचना भी हमें एक अपराध लगता है। डीएसपी सहियार अख्तर ने पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर महिला थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। इसके बाद विक्टिम के पिता को छापा मार के गिरफ्तार कर लिया। महिला थाने की पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस घिनौनी हरकत में और कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने विक्टिम का मेडिकल करवाया और उसे काउंसलिंग के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और लिया जाना भी चाहिए। तो दोस्तों, जहां हम कहते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, वहीं ऐसी गलत और गंदी घटनाएँ सामने आती हैं तो दिल बहुत दुखता है। आपका इस बारे में क्या विचार है और ऐसे आरोप करने वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें इस बारे में ज़रूर बताइएगा।